और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा से, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले बताएं कि किस तरह से ये धांधली हुई है, आरोप क्या है? देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार का मामला है। जब 423 पदों पर सहकारिता कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां निकाली गई थी, ग्रुप डी की ये भर्तियां थी, आवेदन इसमें जारी किए गए और विज्ञप्ति बाकायदा निकाली गई और तमाम लोगों ने इसमें अपनी नौकरी के लिए आवेदन किए। लेकिन गंभीर बात ये रही कि जो अधिकारी कर्मचारी बैंक में ही नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपने भाई भतीजा भात के आधार पर लोगों को उसमें भर्ती करा दी। जो लोग इच्छुक लोग थे या पात्र लोग थे, उनको इसमें भर्ती नहीं कराया गया। यानी कि देखिए, इसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो तमाम ऐसे उच्च पदों पर लोग बैठे थे, जो महाप्रबंधक थे, निदेशक पदों के भी थे, अन्य पदों पर लोग थे, उन्होंने सेटिंग गेटिंग के आधार पर अपने करीबियों को इसमें भर्ती करा दी। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में ही इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई थी। तमाम जो जिन लोगों ने आवेदन किए थे, जिनके नंबर इसमें नहीं आए भर्ती के लिए, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के बाद इस पर कुछ जिलों में, तीन जिलों में आवेदन के आधार पर भर्तियां कर दी गई थी, लेकिन बाकी सभी 10 जिलों पर सभी कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल अभी इस पर जांच चल रही है। विभागीय अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, वो इसमें जांच कर रही है। कल भी कोऑपरेटिव बैंक में जाकर तमाम जो दस्तावेज थे वो खंगाले गए हैं, ऐसे आवेदन पत्र खंगाले गए हैं जो पात्र लोग नहीं थे, जिनको नौकरी पर लगा दिया गया है। सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद इस पर आगे ही कार्रवाई की जाएगी। एक अपडेट इसमें यह भी है कि कल देर शाम कुछ अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं, जिनमें महाप्रबंधक और निदेशक पद के लोग हैं, उनको हटा दिया गया है पद से, जिन पर अनियमितताएं के आरोप हैं, जिन पर ऐसे जांच में ऐसे तथ्य पाए गए हैं कि उन्होंने इसमें अनियमितताएं की हैं। तो इन तमाम चीजों से यह साफ जाहिर है कि अधिकारियों ने तो यह सब किया ही है, लेकिन विभागीय जो मंत्री थे, धन सिंह रावत उस वक्त सहकारिता मंत्री थे, उनके संज्ञान में यह मामला पहले से ही था। उसके बावजूद भी इस पर भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई, जांच शुरुआत में नहीं की गई। उसके बाद चुनाव आ गए, चुनावों के बाद यह प्रक्रिया फिर शुरू होती है, फिर कई लोगों को भर्तियों पर कर दिया जाता है। तो इसमें इससे गंभीर बात नहीं हो सकती कि जिस मंत्री के शासनकाल के दौरान, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, जिस मंत्री के शासनकाल के दौरान यह मामला हुआ, यह घोटाला हुआ, उसके बाद सरकार ने फिर उन्हीं मंत्री को यह विभाग फिर से दे दिया है। अभी फिलहाल विभाग उन्हीं के पास है और वो ये कहते हैं कि इसकी जांच की जा रही है। हालांकि देखिए, मीडिया के सामने अभी तक उन्होंने इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। हम भी कई बार उनसे बातचीत करने गए, लेकिन वो हर बार बचते चले गए कि इस पर जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई विभागीय अधिकारी करेंगे। लेकिन अभी तक उनका कोई तथ्य रूप से अभी कोई बयान उनका नहीं आया कि क्या कार्रवाई की जानी है। यही कारण है शायद कि विपक्ष सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है और फिलहाल उच्च स्तरीय जांच कराने की बात प्रदेश सरकार की ओर से कही गई है।